बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है, सऊदी अरेबिया में पहला रोजा यानी कि रमजान का महीना किस दिन से स्टार्ट हो रहा है। बहुत से बंदे सोमवार और बहुत से बंदे मंगल का बोल रहे हैं। बाकी आपको मैं पहले बता दूं कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आज ये ऐलान कर दिया गया है कि इतवार वाले दिन शाम को भाई चांद देखा जाएगा रमजान अल मुबारक का। कि क्या रमजान का रोजा सोमवार को रखा जाएगा या मंगल को रखा जाएगा, यानी कि ये शवाल का चांद 29 का होगा या 30 का होगा। यहां पर सऊदी माहरे फलकियात अल जाक की तरफ से भाई एक ट्वीट की गई है जिसमें बताया गया है, माहरे फलकियात की आपको पता है राय काफी ज्यादा मानी जाती है, तो उनका यही कहना था कि सऊदी अरेबिया में रमजान 13 अप्रैल यानी के मंगल वाले दिन से शुरू होगा और रमजान का महीना 4 दिनों पर मुश्तमिल होगा और यानी के 30 रोजे पूरे होंगे और ईद अल नमाज जो कि छोटी जिसे ईद अल फितर हम बोलते हैं वो भाई 13 मई को पड़ी जाएगी। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि मंगल वाले दिन पहला रोजा सऊदी माहरे फलकियात की तरफ से अलजाक की तरफ से ये ट्वीट कर दी गई है। मंगल वाले दिन पहला रोजा सऊदी अरेबिया में होगा और 30 रोजे होंगे, 4 जुमे होंगे और ईद उल फितर की नमाज 13 मई को अदा की जाएगी। बाकी ये भाई माहरे फलकियात की तरफ से अभी कहा गया है, लेकिन इतवार वाले दिन शाम को चांद देखा जाएगा, उसके बाद ही कंफर्म ऐलान किया जाएगा कि सुबह यानी के मंडे वाले दिन रोजा होगा या ट्यूजडे यानी के मंगल वाले दिन रोजा रखा जाएगा। आप भाइयों के साथ वो जब जैसे ही ऐलान शेयर किया जाएगा वो न्यूज भी शेयर कर दूंगा। अभी तक के लिए यही अपडेट आ रही है कि मंगल वाले दिन यानी के 13 अप्रैल को पहला रोजा सऊदी अरेबिया में रखा जाएगा।